हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी देसी रसोई में। आज हम बना रहे हैं सेवई वाली खीर। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। खीर बनाने के लिए हमने आधा किलो दूध लिया है। दूध को उबाल लेंगे। दूध में उबाल आ गया है, फ्लेम को लो कर देंगे। एक कटोरी हमने ये मोटी वाली सेवई ली है। जैसे खीर मिक्स होता है उसी तरह ये सेवई हम दूध में डाल देंगे। इसे चलाएंगे, लो फ्लेम में पकाएंगे इसे। सेवई पकाते हुए बीच में जलाते रहना है। सेवई पूरी तरह से फूल गई हैं, ये चेक कर लेंगे। पूरी तरह से पक चुकी हैं। अब हम इसमें एक कटोरी मावा डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। लो फ्लेम पर ही पकाना है। बहुत ही टेस्टी खीर बनती है। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे, बराबर का लेंगे। इसे भर कर नहीं लेना है, बस इतना ही, दो चम्मच लेना है। जो ऊपर से एक्स्ट्रा है उसे हटा देंगे। ठंडे दूध से कस्टर्ड पाउडर को घोल लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करें। कस्टर्ड का फ्लेवर तो बहुत अच्छा होता है। अभी मिक्स कस्टर्ड हम इसमें डाल देंगे। इसे जल्दी जल्दी चलाएं, जिससे लम्स ना पड़ने पाए। खीर अच्छी तरह से पकने लगी है। अब हम इसमें एक कटोरी चीनी डाल देंगे और इसे आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए पकाएंगे, जब तक चीनी पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। थोड़े से मेवे लिए हैं, बादाम, काजू, चिरौंजी और ताल मखाने के लाए। इन लाए के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। बादाम को भी हम कट कर लेंगे। आप अपने मनचाहे शेप में काट सकते हैं, चाहे इन्हें लंबा आकार में काट लें या छोटा छोटा तिरछा कर लें। इन्हें हमें इस तरह से काट लेना है। काजू भी हम इसी तरह से काट लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स कट चुके हैं, थोड़े से हम निकाल लेंगे। काजू, बादाम और थोड़ी सी चिरौंजी। सारे मेवे हम खीर में डाल देंगे। सबसे पहले इन मखानों को हम भिगा देंगे। अब इस खीर को 2-3 मिनट तक धीमी आंच में पकाना है। बहुत ही टेस्टी खीर तैयार हो गई है। 2 चुटकी छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे। इसे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं, गैस ऑफ कर देंगे। खीर तैयार है। बहुत ही यमी खीर तैयार है। इसे सर्व करें। ऐसी बढ़िया खीर खाकर कोई भी खुश हो जाएगा। जब मेहमान आए तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। ये जो हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट निकाले थे, इनसे खीर को गार्निश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।